हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व शांति, चूंकि हमारे बुक का 13वां लेसन है। तो आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे कि विश्व शांति लेसन में क्या क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि यह किसी लेखक के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि यह एक निबंध है जो बुक छापते हैं या बुक प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए लेसन को समझते हैं। विश्व शांति का अर्थ हम कहें या निकालें तो विश्व की शांति मतलब पूरे दुनिया में शांति। आज का माहौल ऐसा है कि पूरे दुनिया में अशांति फैला हुआ है, शांति नहीं बल्कि अशांति फैला हुआ है। मतलब कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये जो है एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे से लड़ना जो है अशांति का कारण बनाए हुए हैं। और इस प्रकार से पूरा विश्व जो है, पूरा दुनिया जो है एक दूसरे से उलझा हुआ है और एक दूसरे से झगड़े में फंसा हुआ है। तो हमें विश्व शांति के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करें कि हमारे दुनिया में शांति आए और लोग सुख से अपना जीवन जी सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशांति या झगड़ा का मेन कारण जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिखा है, चूंकि बुक में दिया हुआ है तो बुक से मैंने लिखा है। पहला जो कारण है अशांति का वो है द्वेष, यानी कि ईर्ष्या। और ईर्ष्या को और आसान भाषा में समझें तो जलन, दूसरों को देखकर जलना। यहीं से झगड़े का या अशांति का कारण पैदा होता है कि दूसरों को देखकर जलना या ईर्ष्या करना। और दूसरा है असहिष्णुता। असहिष्णुता का मतलब होता है कि दूसरों को देखकर सहन नहीं कर पाना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पड़ोसी जो है मेरा, अगर कोई पड़ोसी जो है अमीर हो गया है, कार खरीद लिया है, तो हम उसकी खुशी में खुश नहीं होंगे, बल्कि उसके बजाय कि हम उसका कार फोड़ देंगे। मान लो कि वो कार खरीद के आया है, आज ही कार लगाया अपने दरवाजे पे, और हम रात को गए और उसका कार का दरवाजा तोड़ दिए और चुपचाप आग घर पे आके सो गए। तो ये क्या है, ये जलन है, ये असहिष्णुता है। मतलब देखकर हम जल रहे हैं, देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही होता है, यहीं से स्टार्ट होता है अशांति का कारण। मतलब अशांति फैलता है यहीं से। तो सबसे मेन जो मुद्दा है वो यही दोनों है, एक है ईर्ष्या यानी कि जलन और दूसरा है असहिष्णुता। एक मैंने और यहाँ पे ऐड किया है जो कि बुक में ही दिया था, स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है कि खुद का मतलब निकालना, मतलब मतलबी बनना। जैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए किसी को भी हानि पहुंचा देना, किसी को भी पीट देना, ये क्या है, अशांति का ही एक कारण है। और इन्हीं सब झगड़ों को लेकर, ये तो छोटा मोटा झगड़ा है जो कि हम अपने आंतरिक देश में ही करते हैं, अपने आंतरिक देश में ही होता है। जैसे कि आंदोलन करना, किसी चीज़ का विरोध करना, किसी नियम का विरोध करना, किसी व्यक्ति का विरोध करना, ये आंतरिक कारण है। और ऐसा नहीं है कि कई देशों से, एक देश को दूसरे देश से जो है झगड़ा है या शिकायत है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध यानी कि बातों से झगड़ा या फिर क्या कहते हैं, रूठना। तो ये शीत युद्ध है। तो इसी प्रकार से पूरे विश्व में एक दूसरे से झगड़ा फैला हुआ है और लोग एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे से गुस्सा हैं और अशांति फैला हुआ है। अब हम जानते हैं कि अशांति का कारण तो जान लिए कि द्वेष यानी कि ईर्ष्या, असहिष्णुता और स्वार्थ है। अब हम पूरे विश्व में शांति कैसे लाएं, इस पे विचार करेंगे। तो शांति लाने के लिए मैंने यहाँ बताया है सबसे पहला बात परोपकार। परोपकार का मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है दूसरा और उपकार मतलब सहायता करना या उस पर कोई उपकार करना। तो दूसरों पर उपकार करना सीख लीजिए, दूसरों का सहायता करना सीख लीजिए, शांति खुद ब खुद ही आ जाएगा। लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सभी एक दूसरे का हेल्प करने लगेंगे और इस प्रकार से सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे और कहीं जलन, कहीं ईर्ष्या नहीं रह पाएगी। दूसरा अगर हम बताएं तो दयालुता, मतलब दया की भावना अपने मन में रखेंगे, एक दूसरे को गलती को माफ करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। और तीसरा मैंने लिखा है मैत्री भाव, मतलब मित्र की तरह रखें, अपने एक दूसरे से मित्र की भाव बनाएं, मैत्री भाव बनाएं, मित्र का संबंध बनाएं
और जब मित्र का संबंध बनाएंगे तो अपने मित्र से कोई भले ही कोई जलता है यार, अपने मित्र से कोई जलता है नहीं ना। तो इस प्रकार से अगर आप हमारा मित्र बन जाएंगे तो हम आपसे नहीं जलेंगे, आपके कोई मित्र बन जाएंगे तो वो आपसे नहीं जलेंगे, आप उनसे नहीं जलेंगे। तो इस प्रकार से जलन जो है समाप्त हो जाएगा, असहिष्णुता समाप्त हो जाएगा और पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। तो ये जो है शांति लाने के 3 उपाय मैंने लिखे हैं, बुक से ही मैंने लिखे हैं। पहला है परोपकार की भावना, मतलब दूसरों पर उपकार करने की भावना। दयालुता मतलब अपने अंदर दया की भावना रखना। और मैत्री भाव मतलब सबसे दोस्ती का भाव, दोस्ती का संबंध रखना। इसी पे गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर लाइन कहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, बहुत समय पहले ही कह दिए थे गौतम बुद्ध, कि वैर को वैर से खत्म करना असंभव है। वैर यानी कि झगड़ा, झगड़ा तो झगड़ों को हम झगड़ा से ही खत्म करेंगे, झगड़ा करके ही खत्म करेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए दुश्मनी, तो दुश्मनी को अगर हम दुश्मनी करके ही खत्म करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हमको कभी ना कभी दोस्ती करना पड़ेगा उससे, दुश्मनी को खत्म करने के लिए। तो गौतम बुद्ध बहुत ही सुंदर लाइन कह के गए हैं कि वैर को वैर से खत्म करना असंभव है। और इस लेसन में लास्ट में एक श्लोक भी दिया गया है और ये श्लोक संस्कृत में है। ये भारत का जो है समर्थन करता है, बताता है कि हमारे भारतीय लोग या हमारे भारत के जो प्राचीन लोग थे, हमारे वंशज जो थे, उन्होंने परोपकार के लिए, उन्होंने विश्व की शांति के लिए क्या कह के गया है और क्या कह के गए हैं और क्या जो है बताते हैं। तो ये जो है एक श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, आइए इसको समझते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ होता है कि यह मेरा है यह तेरा है, ऐसा गणना करने वाले बहुत ही छोटे सोच वाले होते हैं, लघु चित्त वाले होते हैं, बहुत ही उसका छोटा सोच होता है। यह मेरा है, हर चीज में लड़ने शुरू करेंगे, यह मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ही छोटा सोच वाले होते हैं, क्योंकि उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, जो बड़े दिल के इंसान होते हैं, जो खुले दिल के इंसान होते हैं, उनके लिए तो पूरा वसुधैव मतलब पूरा पृथ्वी ही कुटुंबकम है, मतलब परिवार है। तो जो बड़े चित्त वाले होते हैं, जो बड़े मन वाले होते हैं, उनके लिए पूरा पृथ्वी ही उसका परिवार है। यह श्लोक का अर्थ है और हमारे भारतीय संस्कृति में, संस्कार में ये सिखाया जाता है कि पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार है, तो लोगों का हेल्प कीजिए, लोगों पर उपकार कीजिए। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा आज का हमारा लेसन था विश्व शांति, जिसे मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें से कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, और जो भी आते हैं आप इसको पढ़ने के बाद आप उसको बना लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पे मैंने इस बुक का सभी लेसन पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ रहे हैं 13 लेसन, इसके पहले 12, 11, 10, 9 जो भी है मैंने इसका सारा वीडियो बना दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में दिख रहा है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और नहीं तो इसका लिंक आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। हाँ, और हाँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वहां मैं हर रोज अपडेट लाते रहता हूँ, तो आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।